पहला क्वेश्चन है x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको भी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पर लगा देंगे तो x माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल अंडर रूट 6, अगर है तो x के पावर 8 माइनस 1 अपॉन x के पावर 8 इक्वल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x के पावर 8 माइनस 1 अपॉन x के पावर 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x के पावर 4 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक्स के फोर माइनस वन अपॉन एक्स के फोर। ठीक है, ये फिर यहाँ पर एक्स के फोर प्लस वन अपॉन एक्स के फोर। ठीक, फिर से हम एक्स के फोर माइनस वन अपॉन एक्स के फोर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स के। ठीक, इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स के फोर, एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर। ठीक, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा ऐसे ही एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट सिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है, इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, इसकी इसकी और इसकी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट सिक्स है। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल सिक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, टू इधर जाएगा तो फोर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक, अब फिर से इसका स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू निकल आई, फिर से इसका स्क्वायर कर दें, 16 हो गया, सोलह हो गया। ठीक, ये हो गया एक्स के फोर प्लस वन अपॉन एक्स के फोर, हाँ प्लस टू ए बी, टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा टू, टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, होगा 14। ठीक, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब x माइनस वन अपॉन एक्स है, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हमको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, x प्लस वन अपॉन एक्स आर क्या दिया, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स माइनस फोर बराबर टू, तो x माइनस वन अपॉन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल आई, इसकी निकल आई, इसकी निकल आई, अब हम इसमें
इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे सर, इसमें 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 वैल्यू पुट कर देंगे। तो x माइनस वन अपन एक्स क्या है, अंडर रूट टू, ठीक, इंटू x प्लस वन अपन एक्स क्या है, अंडर रूट सिक्स, जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ जो गिवन है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर हमारा क्या निकला है, फोर, और एक्स पे फोर प्लस वन अपन एक्स पे फोर क्या है हमारा, फोर्टीन, ये आ जाएगा 14 इंटू फोर 56 इंटू अंडर रूट 12 बराबर 2, इधर बाहर निकल जाएगा तो 56 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 112 इंटू अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।